हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 57 नंबर पर आता है और जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत और महंगी करेंसी है, जिसे हम कुवैत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुवैत देश के बारे में कुछ ऐसी मज़ेदार बातें बताऊंगा जो आपने शायद ही सुनी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है जिसका क्षेत्रफल करीब 17,818 वर्ग किलोमीटर है। कुवैत 9 द्वीपों पर बसा एक छोटा लेकिन बहुत ही अमीर देश है जिसकी आबादी लगभग 44 लाख है। इस देश की राजधानी कुवैत सिटी है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इतना ही नहीं, कुवैत की सीमाएँ इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई हैं। कुवैत के अपने देशवासी केवल 28 से 30% है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी के 70% इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ काम करने आते हैं। दोस्तों, एक वक्त पे कुवैत भी ब्रिटिश का गुलाम था, जिसको 19 जून 1961 को स्वतंत्रता हासिल हुई थी। कुवैत एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत मानी जाती है। पूरी दुनिया में दोस्तों, कुवैत अर्थव्यवस्था के मामले में 57 नंबर पर आता है और पर व्यक्ति की GDP के मामले में दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। कुवैत में पर व्यक्ति $71,000 कमाता है। पूरी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है, जिसकी एक दिनार की कीमत भारत के 233 रुपए के बराबर है। कुवैत की ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, जिस वजह से यहाँ शराब बेचना और खरीदना दोनों ही गैरकानूनी है। अगर यहाँ ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जुर्माने के साथ साथ काफ़ी कड़ी सजा भी हो सकती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऊँट की रेस शुरू करने वाला पहला देश कुवैत ही था, जिसने 2006 में ऊँट रेस की शुरुआत की थी। दोस्तों, कुवैत का तेल भंडार विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसकी खोज सन 1934 में हुई थी। दोस्तों, कुवैत का ज़्यादातर आय का स्रोत पेट्रोलियम ही है। कुवैत का 60% ऑयल एशिया में एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, गिफ्ट तो हम नॉर्मल हर किसी को दे ही सकते हैं, पर कुवैत में आपको किसी महिला को गिफ्ट देना हो तो महिला आपके पास गिफ्ट लेने नहीं आ सकती, बल्कि उसकी जगह महिला के माता पिता या उसके भाई गिफ्ट लेने आएगा। है ना अजीब बात। दोस्तों, फैलकॉन प्रजाति का बाज कुवैत में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फैलकॉन बाज कुवैत का राष्ट्रीय पक्षी है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी समुद्र तल से मात्र 43 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, ये दुनिया के गर्म देशों में से एक है। कुवैत का तापमान 53 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पूरे साल में सिर्फ 2 दिन बारिश होती है। कुवैत ने गर्मी की वजह से अपना नेशनल डे 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप कुवैत में ही है। यहाँ पर 7 मिलियन से ज़्यादा यूजलेस टायर हैं, जिसे हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। दोस्तों, कुवैत में रमजान के महीने में दिन के उजाले में तेज संगीत बजाना और नाचना दोनों ही गैरकानूनी है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, कुवैत में कोई भी रेलवे नहीं है। दुनिया का 15वां सबसे ऊंचा टावर कुवैत में ही है, जिसकी ऊंचाई करीब 414 मीटर है। दोस्तों, कुवैत में पीने लायक मीठे पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पीने का पानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके बनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कुवैत के बारे में मज़ेदार बातें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।